मैं बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद साहब की हत्या करने वाला मुस्लिम था, माता आयशा की हत्या करने वाला मुस्लिम। हमने माना कुछ अधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ से 70 साल के अंदर मेवात भी पाकिस्तान जैसे हालात, जहाँ जहाँ हिंदू घटा, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहाँ वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात। बाप बैठा है, 7 पीढ़ियाँ याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियाँ। जरा उत्तर प्रदेश में कराइए ना, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। इसके अंदर ताजिया निकले, जरा मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। पूरी मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, और देखो वो टोपी वाले कितनी दूर सुन रहे हैं। एक ताजिया के अंदर घटना बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, अभी मुझे पता चला है, एक अधिकारी दहिया नाम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम मुस्लिमों की सुरक्षा करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद साहब की हत्या करने वाला मुस्लिम था, माता आयशा की हत्या करने वाला मुस्लिम था, उनके बेटों की हत्या करने वाला मुस्लिम थे, उनके दामाद की हत्या करने वाले मुस्लिम थे, और उनकी बेटी की हत्या करने वाले भी मुस्लिम थे। मंदिरों पे आक्रमण करने वाले मुस्लिम होते हैं, और जितने आतंकी मिलते हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। एसीपी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या? वोट हिंदू देता है, और हिंदू वोट देकर के कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हमने माना कुछ अधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ से 70 साल के अंदर मेवात भी पाकिस्तान जैसे हालात है, और जहां जहां हिंदू घटा, जहां जहां हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहां वहां पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी हिम्मत आखिर कौन अधिकारी कर सकता है? और खट्टर पट्टर से मैं कहूंगी कि खट्टर पट्टर को अब बिठा देना चाहिए। जहां 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 मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा खुल करके क्या बोलूं भाई, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ रही है, वहां वहां हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर ये आक्रमण करते हैं, और बड़े साजिश के साथ करते हैं। बहुत बड़ी साजिश होती है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या करना चाहिए? ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर ताजिया निकले, जरा मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। पूरी मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, और देखो वो टोपी वाले कितनी दूर सुन रहे हैं। एक ताजिया के अंदर घटना बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका बाप बैठा है, 7 पीढ़ियाँ याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियाँ। जरा उत्तर प्रदेश में कराइए ना ये, क्योंकि खट्टर बेचारा ऐसे ही है, बेचारा है वो तो। वहाँ कुछ भी करो सब चलता है। जिस तरह चुनाव है हरियाणा में, जल्दी चुनाव होंगे, तो उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है। जिस तरह 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए, अब 2024 से पहले देश में दंगा भड़काने की साजिश है। तो ये विपक्ष को समझा लेना चाहिए उन दंगाइयों को कि भाई दंगा मत करो। उस कौम को बैठा करके समझा लेना चाहिए, उस कौम को बैठा करके उसके जलसों में बैठ करके बात करनी चाहिए। विपक्ष को एक इकट्ठा होकर के ये विपक्ष बात करे और कहे दंगाइयो तुम दंगा ना करो, 2024 आ रहा है भाई, क्यों दंगा कर रहे हो। खट्टर जी की लाचारता आज कहीं ना कहीं उनके भाषणों में नजर आ रही थी। निश्चित रूप से लाख लोगों की हेल्प 60,000 पुलिस वाले नहीं कर सकते, अपनी आप खुद ही रक्षा करें। हमने माना पुलिस घर घर नहीं जा सकती, लेकिन खट्टर साहब जरा जिन हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो उनको जरा एक बार जवाब तो दे दीजिए उनके घर जा करके। वहां जाने से किसने रोका है? अरे उनको मलहम तो लगा दीजिए जिनके घरों में आग लगाई है।
जिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं। तो नूह कहीं ना कहीं जो मेवात है मिनी पाकिस्तान साबित हुआ। नूह मिनी पाकिस्तान बन चुका है और उसकी वजह से वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, ना हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित है, ना हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित है।